हेलो, वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश शर्मुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूपीएससी का नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है। ओके, यूपीएससी के थ्रू। ओके, अब ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट की है? तो ये है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ओके, यूपीएससी, आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग ESIC की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। ओके, अभी ESIC की वैकेंसी आपको दिख रही है, अभी सुन एक 7 से 8 दिन में आप एम्स का भी वैकेंसी आपको दिख जाएगा, नॉर्सेट का। ओके, वैसे ही अभी यहाँ पे हम ESIC की बात करेंगे। ये एक पेपर कटिंग आई है आज की, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओके, सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट। अब सिलेक्शन या ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन से वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो आप? www.upscionline.nic.in। ओके, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे जाके आप ये एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी तक वेबसाइट में आई नहीं है, आज शाम तक आएंगी या कल तक यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ओके, ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ओके, अब कब से? 7 मार्च से आपको फॉर्म भरना शुरू होगा टिल द 27th मार्च। ओके, शाम के 6 बजे तक। टोटल 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ओके, वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 1930। ओके, 1930 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें से जो ओके देखो 1930 वैकेंसीज ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, अब उसमें से ओपन की जो ओपन कैटेगरी है या जो ओपन में जो सिलेक्ट होंगे वो 892 कैंडिडेट है। EWS के लिए 193, OBC के लिए 446, SC के लिए 235 एंड ST के लिए 164। उसमें से 1930 में से 168 जो वैकेंसी है, ओके, ये वैकेंसी डिसेबिलिटी, ओके, जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। ओके, उसमें से भी उन्होंने कैटेगराइज की है कि 168 वैकेंसीज किसके लिए? PWBD के लिए। उसमें से 72 वैकेंसीज किसके लिए? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रसी, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉपी, ओके, वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म अफेक्टेड, सेरेब्रल पाल्सी, ओके, इनके लिए रहने वाली है। ओके, एंड रिमेनिंग 96 जो वैकेंसीज है वो आपके पर्सन किसके लिए? ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ओके, इसके लिए रहने वाली है। ओके, ठीक है, टोटल 1930 वैकेंसी है, उसमें से हर एक कैटेगरी का मैंने बता दिया है। UR का 892 वैकेंसीज, EWS का 193, ओके, OBC का 446, ओके, SC का 235, ST का 164, ओके, एंड PWBD जो है वो 168 कैटेगरी से। ओके, ठीक है, इतना वैकेंसीज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें से सैलरी कितना बने, पे स्केल 7th पे के हिसाब से लेवल 7 है, दैट इज़ 44,900, या आपका बेसिक प्लस TADA HRA नर्सिंग अलाउंस वॉशिंग अलाउंस सब ये मिला के सैलरी लगभग यहाँ पे 85,000 आपकी चली जाएगी। ओके, सिर्फ डिफरेंस HRA का आएगा। अब सिटी अगर बड़ी है तो वहाँ पे 27% अभी चल रहा है, नहीं तो 18%, ओके, इसके हिसाब से रहने वाला है। अब अगर ओपन कैटेगरी है, ओपन और EWS है, उनके लिए 30 साल, ओके, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, OBC के लिए 33, OBC के लिए 33, SC ST के लिए आप 40 ईयर्स तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, अगर आप PWD है, ओके, SC ST के लिए 35 ईयर्स तक, और PWD के लिए
PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए 40, ओके ध्यान में रखना। ओके ओपन EWS OBC 33 SC ST 35 एंड PWD के लिए 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ करेक्शंस हैं, वो करेक्शन करने के लिए 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपको टाइम दिया जाएगा एडिट करने के लिए करेक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कास्ट में कुछ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भर देते हैं या आपके मार्क्स में आप कुछ डाल देते हो, तो वो एडिट करने के लिए आपको करेक्शन करने के लिए फाइनल सबमिशन के लिए 1-7 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी क्रूशियल डेट क्या रहने वाली है, ओके क्लोजिंग डेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट कौन सी है इसके लिए 27 मार्च आपका लास्ट डेट है। तो देखो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो 30 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपकी लास्ट डेट ऑफ 27 मार्च तक 30 साल होने उसके ऊपर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जो भी कैटेगरी OBC है 33, SC ST 35 एंड PWD के लिए 40, ओके पूरा का पूरा। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे upsconline.nic.in, यहाँ पे विजिट करना है आपको, डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको ये वेबसाइट में मिल जाएंगी। ये पेपर कटिंग आई है, डेफिनेटली डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आज शाम तक या कल तक डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब रहने वाली है, ओके। अब एग्ज़ाम सिंगल फेज है, डबल फेज है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो सिंगल फेज ही रहेगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही एग्जामिनेशन के बारे में पता लगने वाला है, ठीक है, यानी एग्ज़ाम कब होगा, ओके पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, निगेटिव मार्किंग रहने वाली है क्या, सब कुछ जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट UPSC की वेबसाइट में आ जाएगी वैसे ही मैं मेरे चैनल पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पे अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ, ओके। तो देखो यहाँ पे आप 27 मार्च करेक्शन के बाद 3 अप्रैल, तो आप ध्यान में पकड़ सकते हो कि एटलीस्ट 1 मंथ, ओके 1 to 1.5 महीने के बाद अब इलेक्शंस भी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ओके मई के मिड ऑफ मई या एंड ऑफ मई में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी इलेक्शंस है बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल आपके पास अभी और कम से कम 60 डेज है पढ़ाई के लिए ESIC के लिए, हमारी ऑनलाइन बैच चालू है, ओके लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जो फुल कोर्स चल रहा है NORSET ESIC RRB का वो आप परचेस कर सकते हो, ओके साथ ही साथ NORSET के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है NORSET ESIC RRB की सेपरेट, ओके जो लोग कोर्स लेना नहीं चाहते हैं वो आप टेस्ट सीरीज की जो कोर्स है वो आप ले लीजिए, और जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेस या ऑनलाइन बैच जो फुल है उसमें नर्सिंग का पूरा सिलेबस साथ में एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव टेक्निक सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से एंड फटाफट से कोर्स परचेस कर लीजिए, ओके जल्दी ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ और एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।